हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे CSIR नेट गेट एग्ज़ाम या फिर जो IIT जैम BHU DU एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स हमारे जो केमिकल साइंस में टॉपिक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन, OMC, केमिकल बॉन्डिंग या फिर फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में GOC, एरोमेटिसिटी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं इनमें जो भी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कवर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे वो हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में रिपीटेंटली आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसमें स्पाइनल हो गया या फिर CFSE हो गई है या फिर JTD हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया है, इस टाइप से जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको सारे ही टॉपिक्स को इस सीरीज़ में कवर किया जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये जितने भी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स किए जाएंगे। यहाँ पे ट्रिक्स का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अप्रोच करने बैठेंगे तब वहाँ पे आप जब आंसर्स को टिक मार्क कर रहे होंगे या फिर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप फॉर श्योर होंगे कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस चीज़ पर बेस्ड ये सीरीज़ रहेगी, ओके। जैसे कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स हो गए तो इसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा किस टॉपिक से क्वेश्चन है बट हमें कभी फॉर्मूला याद नहीं आता है। तो ये जो सीरीज़ है वो इस चीज़ पर बेस्ड रहेगी कि आपको फिज़िकल में सारे ही फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लर्न करवाए जा सकें और इसमें जितनी भी पॉसिबल ट्रिक्स होंगी उनकी हेल्प से ये जो सीरीज़ है उसमें टॉपिक्स को इजी किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में जितनी ज़्यादा ट्रिक्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पाइनल्स की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पाइनल्स हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, जब हम CFT की स्टडी करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की स्टडी करते हैं, तो उसके बाद जो हम उसके एप्लीकेशंस की स्टडी करते हैं तो उसमें एक हमारा टॉपिक आता है स्पाइनल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पाइनल्स होता है क्या है। तो मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ कंपोजिशन Ab2O4, ठीक है। ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा क्या एज अ लीगेंड बिहेव करता है, ठीक है, जो कि कैसा लीगेंड है, वीकफील्ड लीगेंड है, ओके। और यहाँ पे जो ए होता है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और जो 2B होते हैं वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं आयरन 2+, ठीक है, क्रोमियम 3+, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्मूले के बाद अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Fe2+2Cr3+O4, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जो मेटल्स हैं इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल ले सकते हैं, ओके। यहाँ पर हम ट्रांजिशन मेटल्स को भी लेते हैं और एल्कली अर्थ मेटल्स जो होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे किस पे बेस्ड होंगे, ये हमारे CFSE पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो जो हमारे स्पाइनल्स होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है नॉर्मल स्पाइनल और एक होता है हमारे पास इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। स्पाइनल तो जो हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है वो बेसिकली यहाँ से होता है कि लेट सपोज उन्हें कोई आपको स्पाइनल दे दिया, जैसे कि हमारे पास यही वाला स्पाइनल दे दिया, तो ये आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा ये जो स्पाइनल है ये नॉर्मल स्पाइनल है या फिर हमारा इनवर्स स्पाइनल है, ठीक है। ये हम किसकी बेस पर बताते हैं, ये हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ CFSE, ठीक है। तो जो हम इनकी CFSE फाइंड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है ये हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल है या फिर ये हमारे पास इनवर्स स्पाइनल है, ठीक है। तो फॉर एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, यही एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया Fe2+ और Cr3+2 और O4, ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम इसकी CFSE निकालें तो ये हमारे पास किस लिगेंड से अटैच है, वीक फील्ड लिगेंड से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 3D6 4S2, ठीक है।
अब हमने क्या किया, ये हमारे एफ ई की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जब हम एफ ई टू की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3D6 हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसमें यहाँ पर लिखते हैं तो ये हमारे किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पर जब हम क्रोमियम Cr3+, ठीक है, ये हमारे पास कैसे सिस्टम हो गया, D3 सिस्टम हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो हम इसकी CFSE निकालेंगे तो इसकी CFSE आएगी -0.4, ठीक है। और जो हम इसकी CFSE निकालेंगे तो इसकी जो CFSE आएगी वो आएगी -1.2 ΔO, ठीक है। यहाँ पे ये CFSE है। आई होप आपको CFSE निकालना आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने इसकी क्या निकाल दी, CFSEs निकाल दी। अब हम इन CFSE की हेल्प से देखते हैं कि ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल होगा या फिर ये इनवर्स स्पाइनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो क्रोमियम 3+ है इसकी CFSE ज़्यादा आई है, तो ये हमारा किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। वॉइड्स हम कहाँ पर पढ़ते हैं, वॉइड्स हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई क्यूब होता है, इस टाइप से अगर हमारे पास क्यूब होता है तो हमारे पास कितने वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो यहाँ पे इसकी CFSE ज़्यादा आई है तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ कि ये हमारा जो क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगी जिसमें 4 केसेस बनेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को देखते ही बता दोगे कि हमारा नॉर्मल स्पाइनल होने वाला है या फिर इनवर्स स्पाइनल होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वॉइड्स होते हैं एक क्यूब में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये किस में प्रेजेंट होती है, इन्हीं वॉइड्स में प्रेजेंट होती हैं, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगी या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास A2+ है, ठीक है। यहाँ पे ये A हम कुछ भी ले सकते हैं, Fe2+ ले सकते हैं या फिर कोई भी ले सकते हैं, Ni2+, इस टाइप से इसका कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो अगर हमारा जो A2+ है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है तो ये हमारा कैसा होता है, नॉर्मल स्पाइनल होता है, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पर ये जो B3+ आयन है ये ऑक्टाहेड्रल में पॉइंट्स में जाता है तो इसकी ये कंडीशन है कि ये कैसा रहेगा, नॉर्मल स्पाइनल रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स करते हैं या फिर ये कहें कि इन्वर्स करते हैं, यहाँ पर हम B3+ को किस में कर दें, टेट्राहेड्रल में कर दें, और A2+ और B3+ को हम ऑक्टाहेड्रल में भेज दें, ठीक है, इस टाइप से, तो ये जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है इन्वर्स स्पाइनल की, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्पाइनल हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्पाइनल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। मींस अगर हमारा A2+ है, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है, और जो B3 आयंस हैं, ठीक है, 2 B3 आयंस हैं वो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहे हैं तो ये जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल स्पाइनल की होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा B3 आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है, मींस हमने इसका इन्वर्स कर दिया और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना कभी कभी जल्दबाजी में ये हो जाए कि आप सोचो कि B3 आयन 2 हैं तो दोनों के टेट्रल, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक 2+ आयन और 1 3+ आयन अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल होता है, ठीक है। तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की CFSE को चेक कर लेते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल की CFSE को चेक नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की CFSE को चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारे पास 2 आयंस थे उनमें से 1 आयन ये लिया और 1 आयन ये लिया, दोनों की ऑक्टाहेड्रल की CFSE को चेक कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो CFSE आई वो ज़्यादा आई है एज़ कम्पेयर टू इसकी CFSE की, तो हमने ये कह दिया कि इसकी CFSE ज़्यादा है तो ये हमारा किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो B3 आयन है किस में जा रहा है, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है, तो इस ये किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लो आपको ये दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कि यहाँ पे जो हमारा डाईपॉजिटिव आयन है वो किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि ये एक नॉर्मल स्पाइनल है, अब बताइए कि ये जो
डाई पॉजिटिव आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ कि अब इसको लर्न करने की ट्रिक देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ए टू पॉजिटिव है, ठीक है, और ये किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, और बी थ्री पॉजिटिव है, ठीक है, और ये टू है, तो ये किस में जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में। ये किसकी कंडीशन बन रही है, हमारे नॉर्मल स्पाइनल की कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये टू पॉजिटिव है ना, तो टू टू से याद रखना कि ये किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। अगर टू वाला टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है जो ट्राई पॉजिटिव आयन है वो किस में जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएंगे। तो जो हमारा स्पाइनल हो जाएगा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। इसके जस्ट आप रिवर्स करोगे तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा। अब इसमें हम आपको केसेस की स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास फोर टाइप के केसेस बनेंगे जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली स्पाइनल्स को पहचान पाएंगे कि कौन सा हमारा नॉर्मल स्पाइनल है और कौन सा हमारा इनवर्स स्पाइनल है। यहाँ पर हम सबसे पहले वन बाय वन केसेस की स्टडी करेंगे, उसके बाद इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे उन्हीं की हेल्प से। सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है हमारा कि जो हमारे पास ए टू पॉजिटिव और टू बी थ्री पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा डाई पॉजिटिव आयन है इसकी जो सी एफ एस सी है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जेड एन होता है, ठीक है, इसकी डाई पॉजिटिव, इसकी जो सी एफ एस सी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि ये डी टेन होता है, ठीक है। ये क्या सी एफ सी को शो नहीं करता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, इस टाइप से। और सेकंड वाला केस भी ले लेते हैं कि जो हमारा ट्राई पॉजिटिव है इसकी जो हमने ऑक्टाहेड्रल की सी एफ एस सी को चेक किया तो वो भी हमारी कैसी आई, ज़ीरो आई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं एफ ई ट्राई पॉजिटिव, ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है डी फाइव, ठीक है, तो इसकी भी जो सी एफ एस सी होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हमारा कोई स्पाइनल बन रहा है तो वो हमारा कैसा होता है, नॉर्मल स्पाइनल होता है, ठीक है। वो हमारा कैसा स्पाइनल हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। मींस ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो हम सी एफ एस सी देख रहे हैं वो किसकी कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की। ये नहीं कि आप ये सोचो कि ये वाला तो हमारा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में तो आप टेट्राहेड्रल की सी एफ एस सी देखने लगे, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसकी सी एफ एस सी देखनी है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। अब हम केस टू देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लेते हैं एक डाई पॉजिटिव आयन और टू ट्राई पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है स्पाइनल का, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट केस देखते हैं कि जो हमारा ये है डाई पॉजिटिव आयन है इसकी सी एफ एस सी कैसी है, ज़ीरो है, ठीक है, और इसकी जो सी एफ एस सी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मीन्स वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, ठीक। ये वाला हमारा केस कौन सा हुआ, जैसे कि एम एन टू प्लस, ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डी फाइव होती है, जिसकी सी एफ एस सी कैसी होती है, ज़ीरो होती है। ऐसे अगर एम एन ट्राई पॉजिटिव ले लें तो इसकी जो सी एफ एस सी होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो स्पाइनल बनता है वो नॉर्मल स्पाइनल बनता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जो आपको आयंस मिले हुए हैं उनकी सी एफ एस सी निकालनी आनी चाहिए। जैसे आपको पता चल जाए कि जो हमारा डाई पॉजिटिव है उसकी सी एफ एस सी ज़ीरो आ रही है, दैट मीन्स कि वो हमारा कैसा होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा, ठीक है। अगर दोनों की ही सी एफ एस सी ज़ीरो आ रही है तो वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड केस देखते हैं, इसमें हमारा आता है कि हमारे पास एक डाई पॉजिटिव आयन है और टू ट्राई पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है। ये हमारे आयन्स कौन से होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स होंगी, ठीक है। तो इसमें हम केस देखते हैं कि ये जो हमारी सी एफ एस सी है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, बट इसकी सी एफ एस सी हमारी कैसी है, वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हो जाएगा, ये होगा हमारा इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। सिर्फ यही केस है जिसमें हमारा क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल होता है। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एफ ई टू प्लस, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है डी सिक्स, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ले लें एफ ई थ्री प्लस, जिसकी सी एफ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है डी फाइव, ठीक है, तो इसकी जो सी एफ एस सी होगी वो कैसी आएगी, ज़ीरो आएगी, बट इसकी जो सी एफ एस सी है वो नॉट इक्वल्स टू कैसी होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा केस बनता है वो बनता है इनवर्स स्पाइनल का।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा केस बनेगा वो किसका बनेगा, इनवर्स स्पाइनल का बनेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बताया था, अगर इसकी सीएफएसी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, दैट मींस कि इसकी सीएफएसी इससे ज़्यादा हो गई, अगर इसकी सीएफएसी इससे ज़्यादा हो गई तो ये किस में चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाएगा। और अगर एक भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है डाइपॉजिटिव आयन तो कैसा होता है, इनवर्स स्पाइनल होता है। मींस जो आप दैट मीन्स कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर डाई पॉजिटिव है तो वो किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में, ट्राई पॉजिटिव है और वो जाता है अगर ऑक्टाहेड्रल में तो हमारा कैसा होता है, नॉर्मल स्पाइनल होता है। ठीक है, अगर ये हमारा डाई पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में चला जाए और ट्राई पॉजिटिव आयन हमारा किस में, टेट्राहेड्रल में चला जाए तो वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, ये भी जो केसेस मैं बना रही हूँ इसी रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी सीएफएसी कैसी है, ज़्यादा है क्योंकि इसकी तो ज़ीरो है, तो ये हमारा किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। और जैसे ही ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाएगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ केस देख लेते हैं। जो हमारा फोर्थ केस है उसमें हमारे पास एक डाई पॉजिटिव आयन होगा और एक ट्राई पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, जिसमें दोनों की जो सीएफएसी है वो ज़ीरो की इक्वल्स नहीं होंगी। ठीक है, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा स्पाइनल है वो नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो जिस आयन की भी, या तो डाई पॉजिटिव आयन या ट्राई पॉजिटिव आयन, जिसकी भी सीएफएसी ज़्यादा होती है, जिसकी भी सीएफएसी ज़्यादा होती है वो किस में चला जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाता है। और वो जो आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा उसकी ही हेल्प से हम बता देंगे आइदर इट इज़ नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, ये हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके हम देखते हैं कि जो सीएफएसी है इसमें निकल डाई पॉजिटिव की, यहाँ पर हम सीएफएसी निकालते हैं निकल डाई पॉजिटिव की तो वो कितनी आएगी, सीएफएसी -1.2 डेल ओ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D6 हो जाएगी। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कोबाल्ट के साथ जो वो ऑक्सीजन होता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड वर्क करता है। ठीक है, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोबाल्ट हो गया, Ni3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इनके साथ जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से होगी। और जब हम इसकी सी एफ एस निकालेंगे तो हम किस टाइप से निकालते हैं, सी एफ एस इक्वल्स टू यहाँ पे जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम 0.4 से। ठीक है, माइनस इसमें तो कुछ है नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर ये जो माइनस साइन होता है इसकी एनर्जी कम हुई है इसलिए इसको माइनस से इंडिकेट कर देते हैं, इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई है इसलिए इसको पॉजिटिव से इंडिकेट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो माइनस साइन होता है ये क्या शो करता है, दैट मीन्स कि एनर्जी हमारी रिलीज़ हुई है, अगर एनर्जी रिलीज़ हुई है तो जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबलाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ से यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सी एफ एस सी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.4 डेल ओ। ठीक है, तो कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव आयन है, इसकी जो सीएफएसी आई है वो कितनी आई है, 2.4 डेल ओ। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी सीएफएसी आई है इसकी 1.2, तो यहाँ पर सीएफएसी किसकी है, इसकी ज़्यादा है। यहाँ पर माइनस साइन देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ये हमारा किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। अगर ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है तो ये हमारा किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा जो स्पाइनल है वो कैसा स्पाइनल है, एक नॉर्मल स्पाइनल है। ठीक है, इस टाइप से हम स्पाइनल्स की स्टडी करते हैं, जिस मैंने आपको 4 केसेस में समराइज कर दिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये 5 एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें हमारे पास दिया है मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमेशा डाई पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला हमेशा ट्राई पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, एल्कली अर्थ मेटल है, जिसकी सीएफएसी हमेशा कैसी होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम इसकी सीएफएसी निकाल लेंगे तो वो हमारी कैसी होगी, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, बट हमारी फर्स्ट वाले की ज़ीरो गई तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक नॉर्मल
स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ईजिली आप स्पाइनल्स को बता सकते हैं, और गेट में हर साल ही स्पाइनल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ से अगर आपने स्पाइनल की 4 केसेस को अच्छे से स्टडी कर ली, तो आपका 1 मार्क्स तो वहाँ पर कन्फर्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, इसमें हमारे पास MN डाई पॉजिटिव होगा और ये MN ट्राई पॉजिटिव होगा। तो डाई पॉजिटिव की CFIC क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पर ट्राई पॉजिटिव की जो CFIC होती है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉर्मल स्पाइनल हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास DH सिस्टम है क्योंकि ये डाई पॉजिटिव है और ये ट्राई पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर FE ट्राई पॉजिटिव, इसकी जो CFSE होती है वो कैसी होती है, इक्वल्स टू 0 होती है। बट यहाँ पर जो D8 है, इसकी जो CFSE होती है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा, ये वाला केस बन गया है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, ZN डाई पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो CFSE होगी वो इक्वल्स टू 0 होगी। और यहाँ पर MN ट्राई पॉजिटिव, इसकी जो CFSE है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। दैट मीन्स कि हमारे पास कैसा हो गया, नॉर्मल स्पाइनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगर हम MG लेते हैं तो इसकी जो CFSE है, ठीक है, ये हमारा एल्कली अर्थ मेटल है जिसकी हमेशा CFSE 0 होती है। और FE ट्राई पॉजिटिव है जिसकी भी CFSE हमारे पास 0 होगी। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, नॉर्मल स्पाइनल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली सिर्फ इनकी CFSE को देखकर क्या बता सकते हैं कि हमारा जो स्पाइनल होगा वो नॉर्मल स्पाइनल होगा या फिर इनवर्स स्पाइनल होगा। ये वाला जो लास्ट वाला केस है वो फर्स्ट वाला केस है, ठीक है। और ये वाला जो थर्ड वाला एग्जांपल है वो हमारा थर्ड केस है, और बाकी ये जो 3 एग्जांपल्स है वो किसके हैं, सेकंड वाले केस के हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी स्पाइनल को देख के उसको बता सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आती है, हमारे पास लैम्डा पैरामीटर, ठीक है। तो लैम्डा पैरामीटर में कभी कभी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर लैम्डा इक्वल्स टू 0 है और लैम्डा इक्वल्स टू 0.5 है, तो ये हमारा किसको इंडिकेट करता है, नॉर्मल स्पाइनल को इंडिकेट करता है। और ये हमारा किसको इंडिकेट करता है, इनवर्स स्पाइनल को करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेट और गेट के एग्ज़ाम में क्या रहता है कि हमारा टॉपिक तो सेम रहता है, बस क्वेश्चन को वो घुमा देते हैं, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा देते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा है। जैसे कि हमारे पास अगर उन्होंने ये पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लैम्डा इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कितने स्पाइनल्स हैं जो लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स कि वो आपसे नॉर्मल स्पाइनल्स पूछ रहे हैं। तो आपको सिंपली इसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेट सपोज उन्होंने बोल दिया कि लैम्डा की वैल्यू 0.5 है, तो ये हमारा किस टाइप का स्पाइनल हुआ, तो दैट मीन्स कि आपको एक इनवर्स स्पाइनल ढूंढना है ऑप्शन में, ठीक है। तो इस चीज़ प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। लैम्डा की हेल्प से हम ये निकालते हैं कि जो हमारा ट्राई पॉजिटिव आयन होता है वो उसने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कितना ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्पाइनल्स देती हूँ एज अ होमवर्क के, जो आप करके देखें, जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस पर फुल कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये एज अ होमवर्क है, जो आप मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं उनकी हेल्प से आप इनको सॉल्व करना, ये सारे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।